नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिकोडिंग सॉल्यूशन पर। मैं अपनी रेकी सीरीज़ में, रेकी लेवल वन की सीरीज़ में आपसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रेकी जो है वो प्रार्थना से, जो हम घर पर प्रार्थना करते हैं उससे ये कैसे अलग है और ये कैसे हमारी प्रार्थना को कम्प्लीमेंट कर सकती है। इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि रेकी करने से पहले आपको प्रिपरेशन क्या करना है। लोग अक्सर बात करते हैं कि क्रिया है, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, और मैं उनको कहता हूं कि ऐसा नहीं है। जो आजकल पेंडेमिक का दौर चल रहा है, आप मानकर चलें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं कि जो प्लैनेटरी पोजीशन ख़राब करते हैं वो राहु है, केतु है, सैटर्न है। जब भी कोई आएगा, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब भी जो युति चली थी वो मंगल और सैटर्न की थी, और वो नंबर वाइज ईयर भी राहु का था, ठीक है ना। ये लोग वायरस मतलब जो है वो राहु है। तो अगर आप दो चीज़ें करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप नियम के साथ करते हैं, भले आप रेकी वीडियो देखने के बाद रेकी ना करें, योग सीखने के बाद योग ना करें, कुछ भी सीखने के बाद, क्योंकि कई लोग सब कुछ सीखते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, आप अपनी लाइफ में एक चार्ट बनाएं और सब कुछ नियम के साथ करें, डेफिनेटली ये दोनों प्लैनेट आपको कंप्लीमेंट करेंगे। मतलब आप उतना परेशान नहीं होंगे जितने बाकी लोग हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम क्रिया को कहीं भी किसी भी टाइम पे क्यों नहीं कर सकते, ये भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है और मिकाई असुई को जो है इसका माध्यम बनाया, तो हम कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हम रेकी करते हैं, क्रिया करते हैं, वो एक्चुअल में शरीर को स्ट्रेंथ देने की बात है कि हम शरीर को, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में ताकत आती है, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम जो है इतने दिन खाना नहीं खाते, मैं दिनों की बात तो नहीं करता हूँ, इतने दिन अगर खाना हम नहीं खाते हैं तो हमारी जो है वो डेथ हो सकती है, हमारे शरीर पर इसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। इतनी देर हम अगर पानी नहीं पियेंगे तो उसका भी एक लाइफ स्पैन है, वो हमारा इतना रह जाएगा। या इतनी देर हम ब्रीद नहीं करते हैं तो भी हमारी इतने टाइम के बाद जो है हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आज के दौर में ऐसे कई साधु महात्मा हैं जो क्रिया के द्वारा इन सब चीज़ों को जो है वो नकार चुके हैं। साइंस जो है उनको वीडियो लगाकर एक जगह बंद कर चुकी है कि वो कितने दिन खाना नहीं खाते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, ये जो हमारा क्राउन पॉइंट है जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे करेंगे या किसी और पे देखेंगे तो क्राउन चक्रा बोलते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि ये क्राउन पॉइंट है जहां पर पंडित लोग चोटी करते थे, वो छोटी सी जगह जो है वहां पर हमारा क्राउन चक्रा जो सिर के ऊपर है वो टच करता है। ये क्राउन चक्र हमारा जो है ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या करना है कि प्रार्थना, जो प्रिपरेशन के से पहले जो हमने प्रार्थना है उसके बड़े मायने हैं, और उसके पीछे भी, उससे पहले भी जो समय है तैयारी, वो बड़ा मैटर करता है। तो अगर हम खाना किसी भी टाइम पर खाते हैं, ठीक है, अच्छा खाना खा रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, आप योग भी करें, लेकिन खाना क्या करते हैं, आप किसी भी टाइम पे खा लेते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका 12 बजे होता है, लंच आपका शाम को 5 बजे होता है, डिनर आपका रात को 10 बजे होता है। अब कहने को आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप खाना खाने का जो जितने भी रिचुअल्स हैं कि खाना चबा चबा कर खाना, सब कुछ करना, आप योग भी करें, लेकिन फिर भी उस खाने का आपको उतना लाभ नहीं होगा क्योंकि आपने समय के साथ उसको नहीं जोड़ा। जैसे कई एस्ट्रोलॉजी में मंत्र हैं कि वो कहते हैं कि आप ये मंत्रा करें लेकिन इसको सुबह करना है या इसको शाम पर करना है, तो समय के साथ चीज़ों को बांधा जाता है। हम कोई भी काम किसी समय पर करते हैं उसके बहुत से मायने हैं। आप अपनी ज़िंदगी को भी आप सम अप करें, पीछे रिवाइंड करें, जो काम हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पर करे हैं उसके अब अलग मायने हैं। समझने को, जैसे हम छोटे थे कभी ना कभी तो स्कूल जाना शुरू किया, शायद 3 साल की उम्र में, हम तो 2.5 साल की उम्र में क्योंकि पास में था तो जाना शुरू कर दिया था। तो क्या हमें ये प्रिविलेज था कि स्कूल में हम अगर 7 बजे स्कूल खुला तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा अभी 4 साल का है वो 8 बजे आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं था। स्कूल में ही हमें समय के साथ बांध दिया, उसके बीच में हमारे पीरियड लगे, ठीक है, तो उसमें भी समय के साथ बांधा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम हम एक नियत समय पर करते हैं उसके मायने बदल जाते हैं। तो इसीलिए रेकी को आपने फिक्स टाइम पर करना है, और उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है। जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे, आपने जो भी अपने रिचुअल्स करने के, लोग चाय पीते हैं, ठीक है, तो उनको ये होता है कि भाई एक्टिव नहीं हो पाएंगे तो हम क्रिया भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे है कि आप अपना चाय कॉफ़ी जो भी लेना चाहते हैं वो करें, लेकिन कोशिश करें कि उससे पहले आपको 2 गिलास पानी पीना है, ठीक है। कैसे पानी पीना है, जैसे हम कुल्ला करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, वैसे आपने स्क्वैट पोजीशन में पैरों के बल बैठकर आपने 2 गिलास पानी पीना है। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें जो बीमारियां आज के दौर में आ रही हैं उसका जो रूट कॉज है वो हमारा स्टमक है। अब हमारे खाने पीने के कारण जो एसिडिक नेचर है, हालांकि हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए एसिडिक नेचर की सख्त ज़रूरत होती है, पर हमारा जो आज का खाना हो गया है कि हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो एसिड ज़्यादा बनता है और कई तरह की बीमारियां हमें उससे हो जाती हैं।
जैसे किसी को कोई भी असाध्य रोग है, या आज के दौर में जैसे कोरोना ही है, अगर किसी को हो जाता है और उसका स्टमक उसको कम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, स्टमक उसका ठीक नहीं है, तो कोई भी बीमारी हो उसके ठीक होने में समय जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर यही स्टमक आपका बुलंद है तो वो बीमारी आप कह सकते हो कि जल्दी ही आप उससे निजात पा जाएंगे। तो आपने क्या किया, मॉर्निंग में जब आपने कुल्ला करते करते पानी को पीना है, स्प्लिट आउट नहीं करना, तो मॉर्निंग में जो हमारा सलाइवा, जो हमारा थूक रात को इकट्ठा होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, और उसे जब हम अपने शरीर में कर देते तो हमारा स्टमक उससे कम्प्लीमेंट होता है। ये हो गया आपका क्रिया को से करने के पहले आपने पानी पीना है। इसके बाद अगर आपको फ्रेश होना है या आपको लगता है कि आपको चाय पीनी है, क्योंकि अगर मन में ये भाव है कि आपने चाय पीनी है और क्रिया ख़त्म करने के बाद, तो गाइस क्रिया को ख़त्म नहीं करना, आप पहले बढ़े, क्योंकि आपको अगर चाय पीने की आदत है तो वो आपका जो है एक तरह से कह सकते हो कि आपको वो अच्छा भी लगता होगा, तो आपके लिए और के लिए तो अच्छा ही है। अगर चाय नहीं पियेंगे तो शुरू में अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, और रेकी आपको जो है वो कम्फर्टेबल करने के लिए है। सेकेंड, आपने एक तय करना है कि आपको किस जगह पर इसको करना है। एक जगह को तय करें, एक समय को तय करें, और एक आसन को तय करें। आपका जो आसन है, मैं इसको समझाता हूँ कि आसन को कैसे करना है। आपका आसन का क्या इंपॉर्टेंस है, आप रिलेट करें कि कुछ दौर पहले, आजकल तो मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेकिन पहले जो शॉप्स होती थी उनके किवाड़ जो है वो 5-7 का ब्रेक होता था, और ऐसे करके मैंने दिल्ली में देखा है, या ट्रेडिशनल सिटीज़ जो है, मतलब वहाँ पर देखा है, तो ऐसे करके बनते थे और वो रॉड के साथ या किसी लोहे के साथ उसको बांधते थे। लेकिन समय का बीता, ठीक है, वहाँ पर शायद जो है वो शीशे के डोर लग गए, लेकिन आपने अंदर अगर आप देखें, रिकॉल भी करें आप, ठीक है, तो आपके जो मित्रगण हैं उन्होंने जो चेयर है उसको नहीं बदला। वो चेयर ना बदलने का कारण ये बताते हैं कि ये हमारे दादा की, ये हमारे पापा की है, इसके साथ ब्लेसिंग जुड़ी है। अगर उसकी फुटेज से, मतलब अगर वो चेयर ख़राब भी हो जाती है, वो टेप लगा के उसको जोड़ देते हैं, लेकिन चेयर को नहीं बदलते। तो आप समझें कि जो आसन है उस आसन पर हमारी जो है एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। कभी कभी अगर आपको लगता है कि कभी से ठीक नहीं है, तो वो आसन को देखकर हम क्रिया करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, और जब हम क्रिया करने के लिए बैठते हैं तो वो आसन की एनर्जी, क्योंकि जब आप क्रिया करेंगे तो एनर्जी आप में भी एक्यूमुलेट होगी और आपके आसन में भी एक्यूमुलेट होगी, उसमें आपको जो है उसका आपको लाभ मिलेगा। गाइस, तो ये रहा कि मैंने जो कहा कि आपको एक नियत जगह को तय करना है, तो ये उसका रीज़न था। और बाकी जो आपका जो फिक्स टाइम है और फिक्स आपका जो प्लेस है, उसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है मेरे ऊपर दिए हुए लिंक पर या प्ले लिस्ट पर जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर स्ट्राइक करें, ताकि आने वाले टाइम पर जो संबंधित वीडियो हैं उसका सीरीज़ आपको ठीक टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। मेरे वीडियो को आप शेयर भी करें, और किसी तरह का अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें। आप मेरे पर्सनल नंबर 9780 जो साइट 8011374 जो स्क्रीन पर साथ में फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाना चाहता था, और इससे अभी मैं बना रहा हूं, और इसकी सीरीज़ आने वाले टाइम में आपको मिलती रहेगी, और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सारे इसके जो कोर्सेज हैं, सारे जो उसके स्टेप्स हैं, वो मैं आपको रिवील कर दूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।